नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल वीडियो, दुश्मन से छुटकारा पाने का टोटका। जी हां, दुश्मन को अपने शिकंजे में रखने के, अपने काबू में रखने के उपाय आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी किसी दुश्मन से परेशान हैं और आप उसे दुश्मन को अपने काबू में करना चाहते हैं, तो दुश्मन को अपने काबू में कैसे करें जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जानिएगा दुश्मन वशीकरण कैसे किया जाता है। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, तभी आप इन उपाय टोटकों को जान सकेंगे और आप वशीकरण कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं आज के इस टॉपिक को आगे लेकर और जानते हैं दुश्मन वशीकरण कैसे किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो साधारणतया किसी व्यक्ति के जीवन में दुश्मनों की कमी नहीं होती। ये दुश्मन कहीं भी और कभी भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, ये आपके साथ भी घट सकता है। मुसीबत तब और अधिक बढ़ जाती है जब आपके शत्रु आपस में मित्र बनकर ही आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करें। आपसी मेल जोल से वे और अधिक शक्तिशाली होकर आपको और अधिक प्रभावशाली परेशानी में डाल सकते हैं। इन सबसे बचने के लिए शत्रु विद्रेषण तंत्र साबर मंत्र का आपको प्रयोग करना चाहिए, जिनकी आकर्षक शक्तियों के द्वारा आप अपने दुश्मन को बड़े आसानी से पराजित कर सकते हैं, अपने दुश्मन से बदला ले सकते हैं, अपने दुश्मन को काबू में कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दुश्मन वशीकरण के ये सरल और अचूक टोटके, जिनकी मदद से आप भी किसी भी दुश्मन को अपना गुलाम बना पाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, शनिवार के दिन एक कागज लेना होगा, उस कागज के ऊपर अपने दुश्मन का नाम लिखना है और साथ में एक वशीकरण मंत्र भी लिखना है। दोस्तों, वशीकरण मंत्र जो आपने लिखना है, मैं बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रीं क्राय शुक्र शत्रु नाशिक क्रूम फट स्वाहा। ये वशीकरण मंत्र है जिसका आपने जाप भी करना है 151 बार, 3 दिन तक आपने एक क्रिया करनी है। इसे ऐसा करने से आपके पास 3 कागज होंगे और उन पर शत्रु का नाम होगा 21 बार। दोस्तों, अब आपने इन 3 कागजों को जला देना है, आग में आपने इसे जला देना है और ऐसा करके जो भी राख बचेगी उन्हें किसी चलते पानी में जाकर आपने बहाना है। इतना सा कार्य जितना जल्द आप संपन्न कर लेंगे, जितना जल्द इस कार्य को आप करेंगे, आप अपने दुश्मन पर काबू पा सकते हैं, उसे अपने इशारों पर आप चला सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी दुश्मन को अपने काबू में कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी इस वीडियो में दिए उपाय टोटके दोस्तों पसंद आए हों और आप करना चाहते हैं, तो पहले आप हमारे दिए नंबर पर कॉल जरूर करें, तो आपको ताकि आपको हमारी इस वीडियो में सही विधि का मालूम हो सके दोस्तों। तो दोस्तों, ये कहते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।